ये ना वैसे तो ये टपकेगा कि अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे कमेंट आए थे कि मुझे सूट लेना चाहिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनियाली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग दुआ से मैं भी बहुत अच्छी। तो गुड मॉर्निंग, सुबह हो रही है। आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, अभी 10 बज रहे हैं और मैंने अपना सारा काम कर लिया। देखो, मेरे कपड़े धुल गए, मेरा सारा किचन साफ हो गया, सारी सफाई हो गई। अभी दोनों बच्चे सो रहे हैं और अब बस नहाना है मुझे। मैंने अपने सर में ऑयलिंग कर रखी है और आज मैंने वो जियासीज का जो मास्क है वो मैंने भिगो के रख रखा है। इंशाल्लाह आज मैं आपको उसको दिखाऊंगी। सो आई एम सो हैप्पी क्योंकि आज मैं बहुत दिन के बाद घर जा रही हूँ। जा तो एक ही दिन के लिए रही हूँ, मतलब कल का दिन है क्योंकि कल दावत है सबके घर में। तो बस, लेकिन बहुत दिन के बाद जा रहा हूँ ना, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी से मिलूँगी, अपनी मम्मी से मिलूँगी। मम्मी से तो मिले हुए बहुत दिन हो गए और मम्मी घर गए हुए मुझे बहुत दिन हो गए। इसलिए अभी थोड़े दिन के बाद मम्मी घर रहने जाऊँगी, पर अभी मैं मिलने जा रही हूँ। तो बस, और देखो धूप ना आजकल इतनी प्यारी लगने लग गई है क्योंकि मौसम जो है ना वो ठंडा हो गया, तो धूप बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा पहले अपने लिए चाय बना लेती हूँ क्योंकि मैं सुबह से ऐसे ही काम कर रही हूँ, बिना क्या हो रहा है, बिना खाए पिए। तो पहले मैं चाय बना रही हूँ, चाय की क्या हालत हो रही है। तो चाय बना लेते हैं और फिर आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। और मैं आपको ना एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो मेरी मलाई फिर से इतनी सारी जुड़ गई है। ये ना दूध गिर गया है, मैंने मलाई निकाली है ना, फिर से इतनी सारी जुड़ गई है। बस घर से आने के बाद मैं इसका घी बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। ये रहा मेरा जीएसएस का मार्क्स। सो गाइस, देख सकते हो फाइनली ये बन गया है। और ये देखो इसकी थिकनेस ना इतनी होती है, ये देखो इतनी, हाँ, तब जाके फेस पे ये रुकता है। तो फाइनली मैंने इसको अचीव कर लिया है। तो ये इस तरीके का है, अब इसको अपने फेस पे हम अप्लाई करते हैं। सो गाइस, शुमायरा शूट कर रही है, शुमायरा बोला लाओ मम्मा मैं शूट करती हूँ, तो मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ कि कैसे अप्लाई करते हैं। हाँ, वो ठंडा है, मैंने ना इसको फ्रिज में रख दिया था। फिर इसको ना ऐसे डैप डैप करके लगाना है ताकि ना ये ना वैसे तो ये टपकेगा क्योंकि ये टपकता ही है। मैंने जिसका वीडियो देखा था उसमें भी उन्होंने बताया था। तो मैं इसे पूरे फेस पे इस तरीके से अप्लाई कर लूँगी। अगर कोई हो आपके पास जो आपके फेस पे अप्लाई करे तो आप लेट जाओ और उससे आराम से अपने फेस पे अप्लाई करवा लो, पर मैं अकेली करने वाली हूँ तो इसलिए फिर मेरे को ऐसे ही करके इसको अप्लाई करना पड़ेगा। सो गाइस, मैंने क्या किया है, मैं ना खुद से लेट गई, लेट करना मैंने ये पैक जो है ना अपने फेस पे ऐसे अप्लाई कर लिया, पर ये अच्छा सही से हो गया, ज़्यादा टपक नहीं रहा है इस तरीके से, टपक जाता है वरना। तो आप भी ऐसे लेट कर अपने हाथ से भी इसे अप्लाई कर सकते हो। तो बस ये देखो मैंने अप्लाई करा है, मैं आपको थोड़ी देर में इसके रिजल्ट दिखाऊंगी। सो गाइज, हम आ गए हैं अपने घर, रात हो गई है, दोपहर। वो पैक लगाया उसके बाद का रिजल्ट आप देख लो, मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं करा, लिपस्टिक लगाई है। तो अच्छा रिजल्ट है, आप ट्राई कर सकते हो उसको। और घर आ गए तो ये देखो ये कितने लेटे हुए, ये देखो जैद, देखो ये रही आयशा, ये खुश है हम लोगों के आने से क्योंकि जैद का बहुत बेसब्री से इंतजार करती है। ये देखो कैसे देख रहा है, देखना। अस्सलाम वालेकुम। तो ये अभी गए थे बिरयानी वाले के पास, ये देख वगैरह की सब फिक्स करके आ गए हैं क्योंकि कल है फातिया, तो वो आपको दिखाएंगे हम, तो मेहमान भी आएंगे। अब मैं इसलिए मैंने बीच में कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मुझे क्या क्या कि तुम हो क्या मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ब्लॉग ना बहुत लंबा हो जाएगा, मुझे दो पार्ट में नहीं करना है, एक ही में फिनिश करना है। और तो इसलिए मैंने उसको आगे नहीं बढ़ाया। अब बस अभी कुछ नहीं है, अभी गुलाबशाह जी भी आज नहीं आएंगी, वो सुबह आएंगी। अम्मी और नरगिस गए हैं जो भी नाश्ते वगैरह का सामान है वो करने के लिए, और मैं जा रही हूँ खाना बनाने। देखो अम्मी ना आलू वगैरह सब काट गई, मुझे अंडे आलू बनाने हैं। तो हम लोग बस खाना बनाएंगे, खाएंगे और सो जाएंगे जल्दी क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। तो ब्लॉग ये कल से कंटिन्यू होगा, तो आप जरूर देखना लास्ट। मैंने सोची के वही निकाल दिए ना उधर।
फाइनली ग्लब शाहबाजी ने मंगवाया जेबीएल का स्पीकर, क्योंकि हमारा ये चोर ने चुरा लिया था, इतना प्यारा था हमारा भैया, मम्मी ने खुद ले लिया और घर में चोर घुसा निकाल कर स्पीकर ले गया और एक हार बांटा हो गया और सारा सामान है जब तुमने नया मंगाया है। नहीं अब वो नए साल फाइनली ले लिया हमने JBL का स्पीकर। पैकिंग का इंतजार था वो अब निकल रहा है। चलो अच्छा बहुत प्यारा है, सुना है जैसे लीडो की हो रही थी चक्का। सो गाइस मैं नहा ली हूं, ये देखो सर भी धोया है क्योंकि कल धो के आई थी, नहा ली, सारा काम हो गया। सुबह से व्लॉगिंग इसलिए नहीं करी है क्योंकि कुरान खानी थी घर में, कुरान खानी तो नहीं हुई, बच्चे नहीं मिल पाए हमें, लेकिन हम घर में अम्मी ने जितने भी लड़की थी एक मदरसे से बुलाकर यासीन शरीफ वगैरह सब पढ़वा ली है, तो सुबह से इतना बिजी थे कुछ नहीं कर पाए। गुलशा जी भी अभी आई है, बस काम करके अब जाए नहा के, पहले सबसे पहले जुम्मे की नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद थोड़ा तैयार होंगे क्योंकि मेहमान आने वाले हैं, तो पहले नमाज पढ़ लेते हैं। हेलो एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रही हो? मामा ने देख लिया, मामा आ रहे हैं ना, हैं वो लगाएंगे ना खाने का। अच्छा सारे नमाज पढ़ के आ रहे हैं, नमाज पढ़ के आ जाओ अंदर आ जाओ। सो गाइस नानी आ गई है और खाना खिला दिया, अब मामा आ जाए और पाते लगवाएंगे फिर क्या सब खाना खिलाएंगे। आज आप तुमने ड्रेस दिखाई अपनी? हाँ अभी तो तैयार नहीं हुई हूँ, अभी सब मैं लगे पड़े, तैयार हो तो फिर मैं आता हूँ। सो गाइस मैं सुबह उठ के नमाज पढ़ के वापस अपने ड्रेस अप पे आ गया हूँ और अब मुझे नींद आ रही है और बट मेहमान आ रहे हैं, कोई नहीं करेंगे क्योंकि छुट्टी कम मिलती है और फिर काम का रेस्ट मिलता है। चलो कोई नहीं। तो यार देख आ चुकी है, वाली चल रही है इसमें। हाँ बिल्कुल। सो गाइस ये मामा आ गए, हमारे घर में कुछ भी होता है मामा ही फातिया लगाने के लिए आते हैं, तो 11वीं शरीफ की फातिया भी हम उन्हीं से लगवा रहे थे, बहुत देर हो गई थी उनका वेट करते करते, जुम्मे की नमाज़ पढ़कर आए थे, अभी मामा फातिया लगा रहे हैं और जो भी सामान रखा हुआ है यहाँ पर बाबू के कपड़े और जो अम्मी ने मन्नत मांगी थी कि बाबू को जब बाबू हो जाएगा उसके गले में चांदी का चांद बना के 11 साल तक डालेंगी, तो वही अम्मी ने इसीलिए फातिया करवाई और ये देखो ये बाबू के गले में डल रहा है क्योंकि उन्होंने तो मन्नत मांगी थी और वही अब हम लोग पूरी कर रहे हैं। अभी 11 साल तक बाबू जब तक होगा तब तक उसके गले में पहनाएंगे और फिर जब ये इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर इसको सबको इकट्ठा करके सब पैसा किसी गरीब को दे देंगे। 11 साल तक जब तक ये होगा दिखाओ। उसके गले में सब ऐसे देख कर कितना खुश हो रहे थे, तो मैं खड़ी हुई मामा को समझा भी रही थी कि ये सब क्या हो रहा है क्योंकि हमारे घर में ये सब पता नहीं है। आप सभी को 11वीं शरीफ मुबारक, एजाज भाई आपको भी मुबारक, आमिर भाई आपको भी मुबारक, मुबारक 11वीं शरीफ और तुम सबको 11वीं शरीफ मुबारक। सो गाइस सब लोग आ चुके हैं और सब खा रहे हैं खाना, मैं आपको दिखाते हुए। सो गाइस यहाँ पर सब लोग खाना खा रहे हैं, सब आना शुरू हो गए हैं, हमारे पड़ोसी जीशान भाई आ रही है हमारी बिरयानी की देग जिसे सब लपेट रहे हैं, देखो सब लोग खाना खा रहे हैं और ये देखो ये मेरा सूट है। सो गाइस अब जाके हम लोग फ्री हुए हैं और ये देखो सो के उठ के दोबारा खाना खा रहे हैं और ये भी लेके आए, पर इन्हें शर्म नहीं आई कि मेरी भाभी भी है इसी में खा लेंगे तो अब दोबारा से सब खाना खाने की तैयारी कर रहे हैं। देखो इधर ही है,
तो बस अभी सब लोग चले गए हैं, जो जो आए थे, नानी आई थी और हमारी मतलब जो सासू माँ है उनके मायके वाले सारे आए थे, तो सब खा पी के चले गए हैं। और अब हम लोग भी क्या करेंगे पता नहीं, जाएंगे क्या करेंगे अभी देखते हैं। ये देखो, देखते हैं, अभी जाने दे रही हूँ मैं। ये खा भी चुकी है और अपने घर भी भेज चुकी सो बस खाना पीना हो रहा है और अभी देखते क्या करते। बाबू देखो रोते रोते सो गया है। और मैंने ना, मैं अभी आपको दिखाऊंगी ये सूट, इस सूट पे ना इंस्टाग्राम पे बहुत कमेंट आए थे कि आपको ये सूट लेना चाहिए लेना चाहिए, तो मैंने ले लिया है। मैं भी आपको पूरा सूट दिखाऊंगी कैसा। और तुक्के से गुलफशाह जी ने भी वही सूट पहन रखा है, देखो सेम। अभी दिखाएंगे हम दोनों पता नहीं कैसे सेम सेम हो गए, पर हो गए, शक्लें और अकलें दोनों मिलती हैं हमारी तो इसीलिए अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने कौन सा सूट लिया है। सो गाइज, ये रहा मेरा सूट। इसके ना इंस्टाग्राम पे बहुत सारे कमेंट आए थे कि मुझे सूट लेना चाहिए, तो ये मैंने सूट सिलवाया है, इसमें मैंने ये ऐड करवाया है। आप बताना कैसा लग रहा है, और मैं आपको दिखाती हूँ गुलफशाह ये सूट, आओ जल्दी से ये देखो मतलब गुलफशाह आज में ना सेम सेम हो गए। और हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये ऐसा सूट ले रही है या फिर मैं ऐसा सूट ले रही हूँ, तो इसलिए हम दोनों देखो सेम सेम सब लोग ये बोल रहे थे। उन्होंने प्लान करके लिया था, पर ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने मेरी वीडियो में देखा था, पर उस टाइम तक मैंने सूट नहीं लिया था, बाद में इन्होंने मुझे सरप्राइज दिया था। तो बाजी ने भी देखो तुक्के में सूट ले लिया हे गाइस गुड मॉर्निंग। सो सुबह सुबह का टाइम है, हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि इन्हें आज जाके अपनी शॉप खोलनी है। और घर के लिए निकल रहे हैं, कल का दिन बहुत ज्यादा अच्छा था, अब जा रहे हैं घर। और अभी कुछ भी खाया पिया नहीं है, देखो मेरी आंखें ना सूज रही है पता नहीं क्यों, और कुछ भी खाया पिया नहीं क्योंकि बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है ना मेरी ना इनकी। जा रहे हैं, देखते हैं अगर रास्ते में भूख लगेगी तो कुछ खा लेंगे, क्योंकि कम से कम 1.5 घंटे का रास्ता है। तो चलते हैं, और अब व्लॉग एंड नहीं करूँगी, घर पर ही करूँगी, बस आपको यहाँ कर दिखा रही हूँ कि बस अब हम ये देखो हमारा अपना कोशिश, बस हम लोग निकल रहे हैं। देखो हमारी देख है, अभी तक गई नहीं, भैया आएंगे लेके जाएंगे, तो निकल रहे। कल का दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, और बस चलते हैं। सुनाई हम यहाँ पर आ रहे हैं मोट कचौड़ी खाने, आगे मोट कचौड़ी आपको पता घर से कुछ खा के भी नहीं आए तो कैसा लग रहा है? ही गाइस, सो आज नेक्स्ट डे हो गया है। कल के आने के बाद इतना मेरी तबीयत इतनी खराब थी, मेरे सर में दर्द, पैरों में, और मुझे फीवर हो गया था। कल मैंने कुछ भी नहीं करा था, बस आके सो गई थी, और ये अपनी शॉप पे चले गए थे। मैं दोनों बच्चों सो गए थे और मैं भी सो गई थी, क्योंकि शुमारे की भी तबीयत ठीक नहीं थी और बाबू की भी नहीं थी। तो बस, और आज सुबह से काम कपड़े, आपको पता है कहीं तो काम कपड़े सब बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो बस अब मैं अपना व्लॉग को एंड कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अपना ढेर सारा प्यार देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। प्लीज़ जल्दी जल्दी सपोर्ट करो, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो, क्योंकि आपको जो ये वाला बटन दिख रहा होगा ना, आप उसको क्लिक करना। आप हमेशा यही बोलते रहते हो, तो क्या कहते हैं, क्या बोल रही थी मैं, हाँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। आप लोग कहते हो कि आप डेली व्लॉग डाला करो, पर आप, मैं अगर डेली व्लॉग डालूंगी तो आपको उस तरीके का मुझे प्यार, आप लोग बिना कुछ भी नहीं हो, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी सपोर्ट करो, ढेर सारा सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अपना ढेर सारा प्यार दो। अब फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़ नेक्स्ट व्लॉग में, और कैसा लगे कमेंट ज़रूर करना, और अल्लाह हाफिज़।